मतलब यही है कि जो सीटें वो जीते हैं तो उनको अपनी सीटों पे ही भरोसा नहीं है, तो फिर किस बात से वो इस बात का दम दिखा रहे हैं कि भाई वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है देश की और ये सारी बातें। देखिए हकीकत है, अगर आप किसी भी संस्था पे विश्वास ही नहीं रखिएगा, ना आपको कोई जांच एजेंसी पे विश्वास है, ना आपको कोई संवैधानिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें आपको विश्वास है, ईवीएम पे आपको विश्वास नहीं, चुनाव आयोग पर आपको विश्वास नहीं, तो आप किस अराजकता में आप देश को लेकर जाना चाहते हैं? क्या आपको उस बात पे विश्वास है जिस दौर में और उत्तर प्रदेश ने और बिहार ने, कई राज्यों ने वो घटनाएं भी देखी हैं, बूथ कैप्चरिंग जिस तरीके से होती थी, बैलेट बॉक्सेस उठा के ले जाए जाते थे, तो ऐसे में और आज की तारीख में जब आप इतनी मजबूती से इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद जब आप ये अविश्वास जताते हैं, तो ये अविश्वास आप अपने सहयोगी दलों के राज्य में भी आप जताते हैं जहाँ पे उनकी सरकारें चल रही हैं। वेस्ट बंगाल में जिनकी सरकार चल रही है, तेलंगाना में जिनकी सरकार चल रही है, कर्नाटका में जिनकी सरकार चल रही है, वो सब इन्हीं के घटक दल हैं। तो ऐसे में ये अविश्वास आप उनके प्रति भी दिखाते हैं और ये अविश्वास जनता में से भ्रम की स्थिति पैदा करता है और अराजक परिस्थितियों को उत्पन्न करता है। ऐसे बयानों से, जब आप इतने बड़े पद पर हैं, ऐसे बयानों से बचना चाहिए।